व्हाट्स अप गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टडी लवर। 10 काफी शानदार क्वेश्चन आप लोगों के सामने आने वाले हैं करंट अफेयर के, जो कि द हिंदू, पीआईबी या फिर कई सारे और न्यूज़पेपर से उठाए जाते हैं। आप लोगों के लिए काफी फायदेमंद रहने वाले हैं। इस बार का प्रीलिम्स दे रहे हैं उसके लिए भी, और जो नेक्स्ट ईयर का प्रीलिम्स देंगे उनके लिए भी। इसके अलावा एसएससी या फिर बैंकिंग की तैयारी आप लोग कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन होने वाले हैं। अटेम्प्ट कीजिएगा क्वेश्चन को, नीचे बताया कमेंट बॉक्स में आप लोगों का स्कोर क्या रहा है, और जल्दी से जल्दी आप लोगों को इस स्कोर तक पहुंचना है, क्योंकि तभी आप लोग अपनी ट्रॉफी को या फिर अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। टोटल स्कोर नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है, भले ही जीरो क्यों ना हो, पर लेकिन स्कोर में जरूर लिखना है, जरा सा भी शर्माना नहीं है आप लोगों। ओके, ये बात बिल्कुल ध्यान रखिएगा, जो भी स्कोर हो उसको जरूर लिखिएगा, तभी आप लोग अपने आप को एक फियर से बाहर निकाल पाओगे। अगर यहां पर आप लोग एक बार अपना डर बाहर निकाल लोगे, फिर एग्जाम में आप लोगों कोई डराने वाला नहीं होगा। पर लेकिन अगर आप लोग यहीं पर ही डरते रहेंगे तो एग्जाम में तो फिर कोई आप लोगों को संभालने वाला ही नहीं होगा। ठीक है, तो जो भी करना है आप लोगों को यहीं पर ही अपना डर निकाल लेना अच्छे से, ताकि एग्जाम में आप लोग अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काफी शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन को देखते ही वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, उसके बाद में आगे बढ़ना है। थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, पर लेकिन आप लोगों को काफी इंटरेस्टिंग लगेगा। आप लोगों के सामने यहाँ पर मैप है, आप लोग देख सकते हैं, ये हो गया यहाँ पर बाल्टिक सी, यहाँ हो गया जर्मनी, यहाँ पर हो गया चेक रिपब्लिक, ये हो गया स्लोवाकिया, ये हो गया यूक्रेन, मतलब ये सारी कंट्री आसपास में आप लोगों को दिख रही है। ठीक है, बेलारूस हो गया, लुथानिया हो गया यहाँ पर, तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा ये ऊपर वाली कंट्री हो गई यहाँ पर, और ये नीचे हो गई जिसको बोल रहे हैं पोलैंड। ठीक है ना, इसके बीच में जो ये एरिया है, इस एरिया का आप लोगों को नाम बताना है, ये कौन सी कंट्री का एरिया है, ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन। ठीक है ना, तो आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार कुछ ऐसे एरिया होते हैं, कोई एरिया मान लीजिए कंट्री कोई कहीं और होती है और उसका एरिया कहीं और होता है, वो उसी से बिलोंग करता है, जबकि कंट्री आसपास में कहीं उसका बॉर्डर भी टच नहीं करती है। ठीक है, कुछ ऐसे कई सारे एरिया आप लोग देख सकते हैं, आज इसके बारे में बात करते हैं। फिर से कभी मैप में एक और इस तरह क्वेश्चन लेकर आऊंगा, अगर आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगेगा तो। ठीक है, तो ये बताइए आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कौन सा एरिया है, फिर आप लोगों को आंसर देखना है। ओके, तो अब है आंसर आप लोगों के सामने, ये है यहाँ पर रसिया, रसिया का एरिया है। जी हाँ, ये छोटा सा रसिया का पार्ट है यहाँ पर, वैसे आप लोगों को रसिया इस साइड में यहाँ पर नजर आएगा, पर लेकिन ये पार्ट भी आप लोगों को रसिया का ही नजर आएगा। ठीक है, आखिर यहां तक कैसे पहुंच गए, क्योंकि आप लोगों ने सुना होगा यूएसएसआर करके, यूएसएसआर हुआ करता था, और जब इसका डिसइंटीग्रेशन हो गया 1990s में, उसके बाद में आप लोगों को देखने को मिलेगा छोटी छोटी बहुत सारी कंट्री बन गई यहाँ पर, तो ये कंट्री तो कहीं ना कहीं ये एरिया यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो किसी भी कंट्री के अंदर नहीं आया, तो रसिया याद रखिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे गर्मी और मानसून आता है, उसी तरीके से मच्छर की बीमारी यहाँ पर बहुत ज्यादा पनपने लगती है, और यही बीमारी आप लोगों को फिर एग्जाम में भी परेशान करती है, वैसे तो परेशान करती है, एग्जाम में भी परेशान करती है। तो बात की जा रही है वर्ल्ड मलेरिया डे के बारे में, ऑब्जर्व किया जाता है किस तारीख को, 23 अप्रैल बोला गया है, क्या ये सही है? तो पहले आप लोग ये देखिए सही है या गलत है। दूसरी स्टेटमेंट बोला गया 2017 की जो थीम है वो है रेडी टू बीट द मलेरिया, तो क्या ये सही है, ये भी स्टेटमेंट आप लोगों को देखनी है। और तीसरी स्टेटमेंट बोला गया यहाँ पर कि वर्ल्ड मलेरिया जो रिपोर्ट है वो रिलीज की जाती है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, तो तीसरा क्वेश्चन, तीसरी स्टेटमेंट आप लोगों के सामने ये है, तो कौन सी स्टेटमेंट सही है और कौन सी गलत है ये चूज करनी है आप लोगों को। तो जब पहली स्टेटमेंट की बात करें वर्ल्ड मलेरिया डे के बारे में, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा ये 25th of, ठीक है ना, क्या है 25th of अप्रैल आप लोगों के सामने यहाँ पर। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो गई, सेकंड स्टेटमेंट की जो थीम की बात की जा रही है ये 2018 की है, ना कि 17 की है। ओके, तो ये भी यहाँ पर गलत हो गई। तीसरी स्टेटमेंट के बारे में बात की जा रही है वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट जो रिलीज की जाती है, ये आप लोगों के सामने है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जी हाँ इसी के द्वारा ये रिपोर्ट रिलीज की जाती है। तो थर्ड स्टेटमेंट ओनली सही है, बाकी की ऊपर वाली दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है, तो आंसर आप लोगों के सामने हो गया यहाँ पर बी आंसर। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है खासकर जब बात आती है किसी हेल्थ से रिलेटेड इशू की, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिलेटेड टू है हमारी कृषि से, हमारी फार्मिंग से, हमारे किसानों से रिलेटेड क्वेश्चन है। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर, ये कमेटी है जो कैबिनेट की आप लोगों को देखने को मिलेगा, इसने अभी अप्रूव किया था जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, मतलब इतना तो दाम ओनली देना ही देना है हम लोगों को, चाहे कोई भी कंडीशन क्यों ना हो। तो वो रो जूट, जो सन आप लोग बोलते हैं जूट वगैरह, आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे बैग थैले वगैरह बनाए जाते हैं जूट के, वो सारी चीजें आप लोगों ने देखी होगी, उसका मिनिमम सपोर्ट प्राइस यहां पर 3500 से बढ़ाकर कितना कर दिया है, ये बढ़ कर दिया 5000 रुपए पर क्विंटल। ठीक है, तो ये आप लोगों के सामने है, क्या ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट सही नहीं है, ये 3500 नहीं किया यहाँ पर, 5000 नहीं किया गया है, ये यहाँ पर ओनली 200 बढ़ाया गया है। आप लोग खुद भी सोच सकते हैं इतना ज्यादा बढ़ाने का मतलब क्या है, गवर्नमेंट के एक्सचेंज पर बहुत ज्यादा डिफरेंस पड़ेगा, मतलब कहने का क्या है, गवर्नमेंट डेफिसिट में चली जाएगी, और गवर्नमेंट के एक्सचेंज जो ये है एक्सचेकर, कई सारे वर्ड ना स्लिप हो जाते हैं टंग से चलिए कोई नहीं, तो गवर्नमेंट के एक्सचेकर पर बहुत ज्यादा डिफरेंस पड़ेगा इसकी वजह से, तो यहाँ पर ज्यादा नहीं बढ़ाया गया है। तो आप लोग अब देख भी सकते हैं यहाँ पर कुछ मुझे बोलने प्रॉब्लम हुई, तो इस तरीके से जब कहीं पे गलती होती है ना वो आप लोग के लंबे समय तक याद रह सकती है। तो यहाँ पर 200 है ओनली, 5000 नहीं है, ठीक है ना, ये 5000 तक नहीं पहुंचा है, ये 3700 तक पहुंचा है, तो 200 बढ़ाया गया ओनली। ठीक है, तो 200 बढ़ाया गया, रोज जूट की बात की जा रही है, आप लोगों को देखने को मिलेगा इसके बारे में डिस्कस किया जा रहा है यहाँ पर। तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो गई, सेकंड स्टेटमेंट इंक्रीज किया जाता है ये कमीशन
फॉर एग्रीकल्चर एंड द कॉस्ट एंड प्राइस, यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है ये कि एमएसपी का जो प्राइस है वो इंक्रीज किया जाता है, कौन रिकमेंड करता है, तो ये कमीशन रिकमेंड करता है, ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आप लोगों को पता होना चाहिए। और एक्स्ट्रा बात पता होनी चाहिए कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर जो मिनिस्ट्री है हमारी, उसके साथ में अटैच ऑफिस होता है ये, ठीक है ना, जो कि यहाँ पर बताता है कि कितना यहाँ पर एमएसपी आप लोगों को बढ़ाना चाहिए, पूरा देख के चेक करके ढंग से लगभग, तो सारी चीजें अच्छे से बताता है। तो आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया यहाँ पर बी, क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, यहाँ पर ये 3700 आना था। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पता होना चाहिए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर बात की जा रही है, अभी आप लोगों को देखने को मिलेगा बायलेटरल जॉइंट एक्सरसाइज, ये अभी चल रही है, मतलब ये आप लोगों के सामने आज से ये 13 मई तक चल रही है, ये एक्सरसाइज है यहाँ पर हरी माउस शक्ति एक्सरसाइज, ठीक है ना, तो हरी माउस शक्ति 2018 ये इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में चल रही है। स्टेटमेंट सही है? नहीं, स्टेटमेंट सही नहीं है, ये इंडिया और यहाँ पर इंडोनेशिया नहीं है, कौन सी कंट्री है यहाँ पर, है मलेशिया, ठीक है, इंपॉर्टेंट है यहाँ पर याद रखिएगा, ये आप लोगों के सामने ऊपर हो गया साउथ चाइना सी, यहाँ पर मलेशिया आप लोगों को देखने को मिलेगा, और मलेशिया दो पार्ट में डिवाइड है यहाँ पर, ठीक है, तो ये दो एरिया आप लोगों को मलेशिया के यहाँ पर नजर आ रहे हैं, पता होना चाहिए। ओके, मलेशियन जो यहाँ पर रिंगगिट यहाँ पर इसकी करेंसी है, और कोलालमपुर आप लोगों को देखने को मिलेगा इसकी कैपिटल है, तो मलेशिया के साथ में एक्सरसाइज यहाँ पर चल रही है। ओके, नेक्स्ट बात क्या की जा रही है यहाँ पर, कि यहाँ पर ये बात फिर से जब आप लोगों को मलेशिया का पता चल गया, तो यहाँ दोनों जगह आप लोगों को मलेशिया देखने को मिलेगा, मलेशिया के डेंस फॉरेस्ट जो है सिनगई पार्दिक इन हुलु लिंग, ये है लिंगत डिस्ट्रिक्ट, मतलब ये आप लोग इतना लोकल एरिया याद रखने की जरूरत नहीं है, बस ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर डेंस फॉरेस्ट है जहां पर ये एक्सरसाइज चल रही है, ठीक है, तो ये पता होना चाहिए कि मलेशिया के डेंस फॉरेस्ट में ये एक्सरसाइज चल रही है। जी हाँ, ये भी स्टेटमेंट गलत हो गई आप लोगों की, तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो गई, आंसर हो गया डी, तो मलेशिया के साथ में चल रही है हरी माउस शक्ति एक्सरसाइज। ओके, 2018 की बात की जा रही है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बात की जा रही है उन्नत भारत अभियान के बारे में, कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा यहाँ पर सेकंड एडिशन लॉन्च किया गया है, तो अगर आप लोगों को पता हो, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखते हैं यहाँ पर, तो आप लोगों को पता होगा कि जब भी यहाँ पर अगर कहीं पर भी एजुकेशन से रिलेटेड बात आती है, तो यहाँ पर मिनिस्ट्री कौन आती है पिक्चर में, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, तो आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है ना, तो यहाँ पर बात की जा रही है कि जो आसपास वाले एरिया में जो भी इंस्टीट्यूशन है उनका हाथ बटाकर यहाँ पर जो आसपास वाले एरिया में जो गांव है उनको यहाँ पर किस तरीके से हम लोग अच्छे से डेवलप कर सकते हैं, उस पर फोकस देने की बात की गई है उन्नत भारत अभियान के तहत, ठीक है, तो आप लोगों को आइडिया होना चाहिए यहाँ पर, ये आप लोगों को मैंने उस टाइम पर बताया भी था जब पढ़ाया था, तो आप लोगों को हल्का सा आइडिया होना चाहिए किस तरीके से जो आसपास के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उनका साथ लेकर यहाँ पर जो यहाँ पर आसपास वाले एरिया में एजुकेशन सिस्टम को बढ़ाने की बात की जाती है। ओके, तो इंपॉर्टेंट है, हल्का सा पता होना चाहिए, आगे बढ़ते हैं। आप लोगों के लिए क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाया गया है, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को एक तो देखने को मिलेगा यहाँ पर रिक्त स्थान दिया गया है, फिल इन द ब्लैंक्स भी है, और आप लोगों के लिए क्वेश्चन भी है, तो ये आप लोगों के लिए थोड़ा टफ भी आप लोग बोल सकते हैं इसको, पर लेकिन आप लोगों को ये इसलिए फिल इन द ब्लैंक्स दिया क्योंकि मैं चाहता था कि इस स्टेट का आप लोग नाम जरूर याद रखें, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ये मैंने इसलिए यहाँ पर रखा है ताकि आप लोग क्वेश्चन स्टेट भी याद रखें और शेड्यूल भी याद रखें, तो दोनों ही साथ में आप लोग याद रख सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा, उसके बाद में आप लोगों को आंसर यहां पर देखना है, ठीक है। तो बात की जा रही है, यूनियन कैबिनेट ने अभी रिसेंटली अप्रूव किया है कि जो ट्राइबल डोमिनेटेड एरिया है, ट्राइबल डोमिनेटेड जो शेड्यूल एरिया है, उसको एक स्टेट का नाम यहां पर दिया गया, उसके तहत कौन से शेड्यूल के कॉन्स्टिट्यूशन के तहत यहां पर उसमें रखा गया है, मतलब अभी समझ में आएगा, अब पूरा क्वेश्चन पढ़ूंगा जब यहां पर फिल इन द ब्लैंक्स भरकर, पर उससे पहले आप लोग अपना आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो बात की जा रही है यहां पर, अब पढ़ता हूं यहां पर, यूनियन कैबिनेट ने रिसेंटली अप्रूव किया है इंक्लूजन ऑफ द ट्राइबल डोमिनेटेड शेड्यूल एरिया ऑफ राजस्थान, राजस्थान वाले एरिया की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना, राजस्थान की यहां पर कौन सा शेड्यूल आएगा, फिफ्थ शेड्यूल के अंदर ये, तो आप लोगों को पता है मैंने पंचायती राज सिस्टम पढ़ाया था, अगर नहीं देखी है वीडियो तो जाकर देख सकते हैं, डिटेल में पंचायती राज सिस्टम पढ़ाया था, उसके बाद में फिफ्थ शेड्यूल और सिक्स्थ शेड्यूल वाली चीजें बताई थी, तो पॉलिटी की सारी वीडियो यहां पर मिल जाएगी, आप लोगों को जाकर उसको चेक कर सकते हैं, कौन सी वीडियो आप लोगों का जो भी आप लोगों का पोर्शन कमजोर है जाकर उसको देख सकते हैं। तो यहां पर आप लोगों के सामने बात क्या की जा रही है कि ये शेड्यूल एरिया जो होता है इसके तहत पंचायती राज सिस्टम आप लोगों को देखने को मिलेगा, लोकल एरिया को ज्यादा पावर दी जाती है एज कंपेयर टू नॉर्मल पंचायती राज जो एरिया होता है, क्योंकि ट्राइबल वाले एरिया होते हैं उनके खुद के रिलीजन होते हैं, खुद का आप लोगों को देखने को मिलेगा कस्टम उनका होता है, रहन सहन उनका अलग होता है, सब कुछ अपना, तो अलग ही तरीके की उनकी जिंदगी जीते हैं वो लोग, तो इसलिए हम इंटरफेयर उनकी लाइफ में इंटरफेयर न कर पाए हम लोग, जिससे कि तो उनको अलग से ज्यादा पावर यहाँ पर दी जाती है। तो फिफ्थ और सिक्स्थ शेड्यूल एरिया आप लोगों के सामने नजर आता है, तो यहाँ पर जो आप लोगों के सामने ही है फिफ्थ और ये आप लोगों के सामने फिफ्थ शेड्यूल की बात की जा रही है, क्या डिफरेंस है फिफ्थ और सिक्स शेड्यूल में, ये भी मैं ऑलरेडी बना चुका हूं, जाकर वो वीडियो भी आप लोग देख सकते हैं, पॉलिटी की सारी वीडियो के लिंक यहां पर मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन भी यहाँ पर किसान से रिलेटेड काफी इंपोर्टेंट बनता है, ऐसे क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। बात की जा रही है कौन सा ऐसा फर्स्ट स्टेट है जिसने अभी प्राइस डेफिसिट कंपनसेशन स्कीम स्टार्ट की थी, कि किस तरीके से जो गांव में जो फार्मर किसान होते हैं उनका जो डिस्ट्रेस है, उनका जो एक तरीके से प्रेशर उनके ऊपर पड़ रहा है उसको कम किया जा सके। मतलब कहने का क्या है, डेफिसिट कंपनसेशन, मतलब अगर मान लीजिए कोई गन्ना बेच रहा है मार्केट में या फिर कुछ आलू वगैरह बेच रहा है, तो जितना वो मार्केट में उसको बेचने जा रहा है उससे कम उसको प्राइस मिलता है, तो जितना कम प्राइस मिलेगा उस प्राइस जितना भी कम होगा वो यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाएगा, तो डेफिसिट बनने की कोशिश की जाएगी। मतलब बैठ तो रहे हैं वो यहाँ पर 15 रुपए के और मार्केट में प्राइस मिल रहा है उनको 10 रुपए, तो 5 रुपए गवर्नमेंट देगी, ये डेफिसिट भरा जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। तो ये यहाँ पर आप लोगों के सामने है। तो कौन सा वो महान स्टेट है, तो वो महान स्टेट है यहाँ पर मध्य प्रदेश, जो कि किसानों के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान रखकर यहाँ पर चल रहा है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आप लोगों के सामने, ओके। तो थोड़ा सा आप लोगों को पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन इनडायरेक्ट वे में आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोगों को मैंने अभी कुछ दिनों पहले डिस्कस किया था कि यहाँ पर जो पहले क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, बाद में बताऊंगा वरना आप लोगों को पहले आंसर पता चल जाएगा। तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। यहां पर बात की जा रही है यहां पर कि कौन सी ऐसी यूनियन टेरिटरी है, एक या फिर यूनियन टेरिटरीज है जो गोवा के साथ में यूनियन टेरिटरी का दर्जा जिनको दिया गया था 12th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1962 के तहत। तो आप लोगों को नीचे आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में वीडियो को पॉज करके। तो कौन सा आंसर है यहां पर, आंसर है यहां पर बी, दमन एंड दीव, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं यहां पर बात की जा रही है दमन एंड दीव की। तो यहां पर ये इंपॉर्टेंट क्यों हो गया दमन एंड दीव, क्योंकि हम लोगों ने डिस्कस किया था, अब बताता हूं वो बात जो मैंने उस टाइम पर रोकी थी, कि सोलर पैनल सिस्टम यहां पर लगाकर आज की डेट में कंप्लीटली दीव को कंप्लीटली सोलर पैनल के बेस पर लगाया जा चुका है आज की डेट में यहां पर, ये किसी भी तरीके से देखने को मिलेगा आप लोगों को, जो फॉसिल फ्यूल वगैरह होते हैं उनके ऊपर डिपेंड नहीं है, कंप्लीटली यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा रिन्यूएबल एनर्जी यूज की जा रही है, ठीक है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, इनडायरेक्ट वे में भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, क्योंकि ये काफी न्यूज में भी था, ठीक है। तो फर्स्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा ऐसा एरिया है इंडिया का जहां पर कंप्लीटली सोलर सिस्टम के ऊपर आप लोग बोल सकते हैं डिपेंडेंट है आज की डेट में, ओके। तो यहां पर आंसर हो गया दमन एंड दीव। बाकी मैं आप लोगों को ये सारी चीजें पॉलिटी में पढ़ा चुका हूं, अगर आप लोग रिवीजन करते रहेंगे तो सही रहेगा, तो जाकर आप लोग रिवीजन कर सकते हैं प्रॉपर वे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, बात की जा रही है लाइन ऑफ कंट्रोल के बारे में, काफी न्यूज में रहती है आप लोगों को पता होना चाहिए, पहले तो एरिया आप लोगों को माइंड में होना चाहिए कौन से एरिया की मैं बात कर रहा हूं। तो ये वाला एरिया आप लोग देख सकते हैं, ये इधर हो गया पाक ऑक्युपाइड एरिया और यहां पर हो गया हमारा इंडिया, तो यहां पर इसके बीच में जो लाइन है ये है लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक है ना। तो इसके बारे में बात कर रहा हूं, क्वेश्चन पढ़ते हैं डिटेल में आराम से, आप लोग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है वीडियो को पॉज करके। बात की जा रही है जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, वो जो लाइन ऑफ कंट्रोल है हमारी कंट्री का और पाकिस्तान के बीच में जो है ऑपरेशनल कंट्रोल, उस लाइन ऑफ कंट्रोल का किसके अंडर में है इंडिया की साइड से अगर देखें, तो बात की जा रही है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के अंडर में। नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है, ये हमारी आर्मी के अंडर में है, ना कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के अंडर में, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट, ये करंट अफेयर के बेस पे आप लोगों को पता होना चाहिए, सीज फायर वायोलेशन आप लोगों को देखने को मिलेगा लाइन ऑफ कंट्रोल पे, अब तक 200% इंक्रीज हो चुके हैं 2016 से, अगर 2017 के कंपेयर करें हम, मतलब अगर यहां पर 2016 में जितने हुआ करते थे उसके 200% इंक्रीज हो चुके हैं 2017 में, तो ये बात बोली जा रही है। तो ये स्टेटमेंट सही है, जी हाँ ये स्टेटमेंट सही है, बहुत ज्यादा सीज फायर आज की डेट में आप लोगों को देखने को मिल रहा है, जबकि हमारी कंट्री में जो लेफ्ट विंग स्ट्रिंग है, मतलब जो आप लोगों को नक्सल अफेक्टेड एरिया है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा, वो घटते हुए नजर आ रहे हैं 2009 से। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, जी हाँ दोनों स्टेटमेंट सही है यहाँ पर, ये वाली फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। तो नक्सल अफेक्टेड एरिया जो है आप लोगों को देखने को मिलेगा ये घटते हुए आ रहे हैं, जिसको रेड कॉरिडोर भी बोला जाता है अगर हम लोग कंपेयर करें, पर लेकिन पाकिस्तान के साथ में हमारे जो विवाद है वो बढ़ते ही बढ़ते जा रहे हैं, वो घटने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो स्टेटमेंट काफी इंपॉर्टेंट बन जाती है, क्वेश्चन भी आप लोगों को आइडिया होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, पर लास्ट क्वेश्चन पूछने से पहले आप लोगों से मैं सजेशन लेना चाहता हूं, अगर आप लोग कोई सजेशन देना चाहते हैं मॉर्निंग में जो वीडियो आ रही है उसके बारे में, या फिर क्वेश्चन की वीडियो आ रही है इसके बारे में, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में सजेशन दे सकते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों से बोला था कि एक तारीख से कुछ चेंजेस आप लोगों को देखने को मिलेंगे, तो कुछ चेंजेस तो मैं अपने बेस पे करूंगा, कुछ आप लोग भी अगर कुछ चेंजेस कराना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर लिखिएगा, दोनों ही वीडियो से रिलेटेड आप लोग यहां पर सजेशन दे सकते हैं। स्वयं प्रभा ये एक पोर्टल है, इसके बारे में जिक्र किया जा रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है, किससे रिलेटेड है ये इनिशिएटिव, ये बात आप लोगों को बतानी है। तो स्वयं प्रभा आप लोगों ने कई बार सुना भी होगा इसके बारे में, स्वयं प्रभा एक लाइव ब्रॉडकास्टिंग जो डीटीएच आप लोगों को देखने को मिल जाता है यहाँ पर, इसके तहत यहाँ पर चैनल है जो कि यहाँ पर पढ़ाने का काम करता है, मतलब लाइव क्लासेस चलाई जाती है, किस किस के लिए लाइव क्लासेस चलाई जाती है, यहाँ पर हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराने के लिए डीटीएच चैनल के तहत यहाँ पर टीचर स्टूडेंट और सिटीजन अक्रॉस द कंट्री यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, कुछ ना कुछ सीख सकते हैं यहाँ पर इस चैनल से, ठीक है ना, इस पोर्टल के तहत। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, बोल सकते हैं कि सबको एक साथ सिखाने का काम करेगा ये पोर्टल, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है याद रखिएगा। तो कोई भी एक सजेशन आप लोग देना चाहते हैं तो जरूर सजेशन दीजिएगा और अपने मार्क जरूर लिखेगा नीचे कमेंट बॉक्स में। आज के लिए इतना ही, मिलता हूं मॉर्निंग में नैनो मैगजीन के साथ में, कुछ नया चेंज आप लोगों को देखने को मिलेगा, आज तक के लिए इतना ही, थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग, जय हिंद।